हाय फ्रेंड, मैं हूँ मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्निशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पैरासिटोलॉजी का पार्ट 3 लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, चाहे एम्स का हो, पीजीए का हो, चंडीगढ़ का हो या रेलवे का हो। ठीक है, और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वह होगा ट्रिक के बेसिस पे है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से अक्सर क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो कोई वीडियो आएगा वो ट्रिक का रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, द ब्लैक कलर ऑफ स्टूल सीन ड्यू टू रीजन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए ब्लीडिंग इन अपर जी आई ट्रैक, ऑप्शन नंबर बी आयरन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इंजेक्शन ऑफ बीट रूट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू, एन ऑर्गेनिज्म विच हार बोरस एंड नोरिसेज ए पैरासाइट इज कॉल्ड एज डैश, ऑप्शन नंबर ए होस्ट, ऑप्शन नंबर बी एक ही चीज़ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग वेक्टर ऑप्शन में ले सकते हैं वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी डी, यहाँ पर सी होगा कैरियर एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ टी, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन एमिबिक डिसेंट्री द स्टूल पॉजेजेज, माने एमिक डिसेंट्री में डिसेंट्री का जो स्टूल रहता है उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है या प्रेजेंट रहता है। उसमें एक ऑप्शन नंबर ए है फ्रेश ब्लड, ऑप्शन नंबर बी क्या है म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी क्या है बोथ एन बी, ऑप्शन नंबर डी क्या है नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द फिशेज इज सेमी सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी वाटरी, ऑप्शन नंबर सी वेल फॉर्म्ड एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वेल फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द स्टूल आर एबनॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी रेडिश, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये जितने भी कलर है ना सब के सब एबनॉर्मल है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कंसिस्टेंसी ऑफ द फिशेज बल्की एंड फॉर द इट इंडिकेट, ऑप्शन नंबर ए कोलेरा, ऑप्शन नंबर बी डिसेंट्री, ऑप्शन नंबर सी एस्टिटोरिया, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑप्शन नंबर सेवन में क्या है आपका, सेमी सॉलिड स्टूल इज फाउंड इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में आपका स्टूल जो है सेमी सॉलिड रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो है ना आप मेल्ट डायरिया कर दीजिए, क्या मेल्ड डेरिया, मेल्ड डेरिया नॉट सीवियर, मेल्ड डेरिया, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर डी सी डिसेंट्री, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए मेल्ड डेरिया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर एट में क्या है आपका, रेस वाटर स्टूल आर ऑब्जर्व इन द कंडीशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए डायरिया, ऑप्शन नंबर बी कोलेरा, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, डायरिया। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, प्यूट्रिड ऑर्डर ऑफ द स्टूल इज, प्यूट्रिड ऑर्डर आपको किस तरह के स्टूल में दिखाई देता है, किस समय दिखाई देगा, डिसेंट्री, सीवियर डायरिया, कोलेरा और नॉन ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा, कोलेरा क्या हो जाएगा, कोलेरा, जो सीवियर कोलेरा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है,
आपको स्टूल का जो ऑर्डर होता है क्या होता है, पिट्रिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नॉर्मल पीएच ऑफ स्टूल, स्टूल का जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है 1-3, ऑप्शन नंबर बी 10-12, ऑप्शन नंबर सी 5.8-7.5, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 5.8 से लेकर के 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों ये आज का यहीं पे समाप्त होता है, 10 ही क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। आपको यदि अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और कुछ दिन अभी कल का जो वीडियो दिए थे उसमें आपका क्या था, वैकेंसी निकला हुआ था, तो आप लोग देख लीजिएगा और फॉर्म फिलअप टाइम के अनुसार आप लोग भर लीजिएगा, कि उसका डेट जो है ज़्यादा दिन का नहीं है, 30 डेज का है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।